नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिषम एस्ट्रो ट्रिक्स में। आज हम आगे बढ़ेंगे, लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज को आगे लेके जा रहे हैं। लेसन नंबर 31 है। हम आज बात करेंगे अष्टम भाव के बारे में। एट्थ हाउस, ये है एट्थ हाउस आपकी कुंडली का आठवां भाव। इसके पहले एक बात आपको बता देते हैं, अगर आपको पार्ट समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, हालांकि बहुत ही बेसिक है, हाँ तो भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो, आप बिल्कुल बेझिझक दिए गए नंबर्स पर कभी भी पूछ सकते हैं। आपको अगर हॉरोस्कोप रीडिंग कराना हो, आपको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, हमारी बैचेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप ज़रूर हमको कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप अपने फुल स्क्रीन में देखें और हमेशा जूम करके देखें ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके कि इनमें क्या लिखा है। आगे बढ़ते हैं। मैं 18 पॉइंट्स में आपको एट्थ हाउस के बारे में समझाना चाहूंगी। इसके पहले जो पहली बार अगर ये पार्ट देख रहे होंगे तो उनसे ये कहना चाहूंगी कि 1 से लेकर के 30 तक के लेसन्स जरूर देख लें ताकि आप क्रम से चीजों को समझ पाए, सीक्वेंस वाइज चीजों को आप समझ पाए। आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको समझाती हूँ 18 पॉइंट्स में आपको एट्थ हाउस को समझना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आठवां भाव किस चीज़ का भाव है, हम इसको क्या बोलते हैं। हम इसको आयु भाव के नाम से भी जानते हैं, एट्थ हाउस आयु भाव। सेकंड चीज़, यहाँ के जो कारक प्लैनेट हैं, स्थिर रूप से जो कारक प्लैनेट होते हैं वो सैटर्न बनते हैं। ये भाव सबसे ज़्यादा कुंडली में, सब भावों में से, जब हम त्रिक स्थानों की बात करते हैं 6, 8 और 12 के, सबसे ऑब्स्टेकल्स वाला, सबसे विनाशकारी, सबसे अशुभ भाव हम इस भाव को कहते हैं। इसीलिए इसको छिद्र, इस भाव के स्वामी को छिद्र ग्रह भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 15 में मुझे ये बताना था, छिद्र ग्रह, क्योंकि सबसे ज्यादा विनाशकारक, सबसे ज्यादा मुसीबतें, हार, आपके जिंदगी की रुकावटें सब हम यहाँ से देखते हैं। किसी भी चीज में रुकावट बार बार आती हो, वो भी अष्टमेश उसका कारण हो सकता है। आप बार बार नीचे गिर के ऊपर आते हो, हर चीज में मुसीबतें आ जाती हो, आपकी हार, वो सब आप अष्टम भाव से, अष्टमेश से देखेंगे। ये कैसे देखेंगे वो हम आपको बताएंगे। ये पूरा एरिया रब करके 3 पॉइंट्स हमने समझे, 4th पॉइंट समझे, ये आयु भाव है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें से आयु का कारण भी हम देखते हैं कि मृत्यु का कारण भी हम इसी भाव से देखते हैं कि आपकी मृत्यु का क्या कारण बन सकता है, आपकी आयु कितनी होगी। आयु का विचार करने के लिए मेन चीज है यहाँ पर, आयु का विचार कैसे करना है। हम पॉइंट नंबर 4 पर हम इसको पेंडिंग रखेंगे और हम ये पॉइंट नंबर 4 पर लास्ट में फिर से आएंगे, आयु का विचार देखेंगे। उसके बाद 5th में आता है फॉरेन ट्रेवल। आपका ये जो भाव है, यहाँ से समुद्र भी देखा जाता है। पॉइंट नंबर 7 है, समुद्र भी, समुद्र भाव है ये, समुद्र के लिए। तो यहाँ से हम फॉरेन ट्रेवल देखते हैं, आपकी यात्रा, समुद्र पार आपकी यात्राएं होती रहती हैं, इसीलिए यहाँ से फॉरेन ट्रेवल। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट की जब हम बात करते हैं, सेटलमेंट की, तो उसके लिए हमको 12th हाउस देखना पड़ता है। फॉरेन सेटलमेंट की बात होगी तो, अगर फॉरेन यात्राओं की बात होगी तो उसके लिए हमको अष्टम भाव, अष्टमेश, PAC यानी कि प्लेसमेंट एस्पेक्ट और कंजंक्शन देखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5th, फॉरेन ट्रेवल रिलेशन विथ, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये सब इसीलिए ही लिखा है ताकि एक भी पॉइंट आपको बताने के लिए हम चूके नहीं, हम आपको बताएं एक एक पॉइंट, ठीक है। इससे अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स और भी होते हैं, लेकिन वो आपको धीरे धीरे करके आगे पता चलते जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतनी चीजें जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। यहाँ से हम, वैसे मैंने यहाँ पे वो चीज इंक्लूड नहीं की है, हमारी जो कर्कश वाणी बोलते हैं, स्त्री की कर्कश वाणी, यानी कि गलत बोलना, गलत तरीके से बात करना, रूड, हमेशा रूड बात करना, वो भी हम ये भाव से देखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ से देखते हैं, तो वो अभी आपको बाद में हम बताएंगे। भाग्य इससे 12वां भी है ये,
इसीलिए इसको हर चीज की रुकावटें वगैरह हम यहाँ से देखते हैं। आगे बढ़ेंगे समुद्र का रिलेशनशिप। अगर अष्टमेश का रिलेशन लग्न से बनेगा या पंचम से बनेगा या फिर ये यहाँ पर ये यहाँ पर या फिर ये यहाँ पर ये यहाँ पर अगर ये ऐसे रिलेशन बनता है, वो बंदा बहुत ही बड़ा रिसर्चर, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट, फिलोसोफर बनता है। अगर अष्टमेश उठ करके लग्न पर बैठ जाए, मान लीजिए अगर ये शनि लग्न पर बैठ जाए या फिर यहाँ पर मान लीजिए तुला राशि पड़ी हुई हो, ये तुला राशि अगर यहाँ पर पड़ी है और यहाँ पर शुक्र बैठ जाए लग्न भाव पर, तो आप बहुत ही बढ़िया रिसर्चर बनते हैं। या तो फिर शुक्र यहाँ पर बैठ जाए पंचम पर, तो आप बहुत ही बढ़िया रिसर्चर फिलोसोफर बनते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल के और सक्सेसफुल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 पे देखेंगे ऑब्स्टेकल्स। हर चीज की दिक्कत परेशानी के लिए ये वाला भाव है। किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी आपको देखनी हो, आपको इसी भाव से देखनी चाहिए। कहीं पर भी रुकावट इस भाव से। डीप सीक्रेट्स का भी ये भाव है, डीप डेप्थ में जाना। जैसे कि समुद्र यहां से देख रहे हैं, समुद्र की यात्राएं भी, समुद्र की गहराई, जितना गहराई में आप जाएंगे, रिसर्चर इसीलिए इसी भाव से जुड़े हुए हैं, फिलोसोफर्स इसीलिए इसी भाव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर 8th हाउस अगर अष्टमेश अगर बलि है, तो वो एस्ट्रोलॉजर बहुत ही डेप्थ में जाके बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनता है। यहाँ पर चंद्रमा होने से बहुत ही बढ़िया वो इंसान, हालांकि चंद्रमा यहाँ पर होने से दूसरे भी दोष उत्पन्न होते हैं, मगर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम योग और दोष पढ़ेंगे, मगर वो एक इंसान बहुत ही बढ़िया टीचर बनता है। समुद्र यहाँ से देखते हैं, इसीलिए डीप सीक्रेट, आपने कुछ छुपा के रखा हुआ हो अंदर, आपके जो सीक्रेट्स हैं, आपके जो राज हैं, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। 9th नंबर पॉइंट पर चलेंगे आगे, नाश। ये आपका उजाला है, यहाँ से हमारा नाश होता है, यहाँ से हम उठते हैं, यहाँ से हम खत्म होते हैं, ये हमारा नाश भाव है, किसी भी चीज का नाश। अभी इस पॉइंट को समझने वाली बात है, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज, कोई भी ग्रह अगर इस भाव में होगा, वो उससे जुड़े हुए लिविंग बीइंग की, उससे जुड़े हुए इंसान की चीज उसका खात्मा करेगा। अभी मैं आपको अगर अच्छी तरह से समझाती हूँ, हम ये चीज को बता देते हैं। ठीक है, हम एक अच्छे से अलग से एक और हॉरोस्कोप क्रिएट करते हैं, उसमें आपको समझाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट समझना, ये त्रिक भाव है, ये सब हमने देख लिया, मगर ये पॉइंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने डाउरी, इनलॉज और प्राइवेट पार्ट्स लिखा है, 11, 12 और 13, वो हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 था डाउरी, 12 पॉइंट नंबर इनलॉज, 13 प्राइवेट पार्ट्स। प्राइवेट पार्ट कौन से? आउटर प्राइवेट पार्ट्स। इंटरनल प्राइवेट पार्ट्स तो हम हाउस नंबर 7 से देखते हैं, आउटर प्राइवेट पार्ट्स हम हाउस नंबर 8 से देखते हैं। अभी यहां पर हम एक हॉरोस्कोप कुंडली बनाएंगे, ठीक है। अगर हम यहां पे 4 नंबर राशि लेते हैं, 3, 2, 1, 12, मान लीजिए ये मीन लग्न हो गया, ठीक है, ये मीन लग्न का कुंडली हमने बनाया। सप्तम अष्टमेश जो बने हमारे, ये शुक्र बने। ये पॉइंट मुझे आपको समझाना है कि इस भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, वो अपने से जुड़े जीव जंतु का नाश करेगा। नाश करने का मतलब खात्मा, खत्म। मान लीजिए ये संतान भाव है, चौथे का स्वामी कौन बनेगा? चंद्रमा। अगर चंद्रमा यहां पर विराजमान है, तो संतान का सुख ना होना, पुत्र होकर भी मृत्यु हो जाना, अबॉर्ट हो जाना, ये चीज यहां पर योग बनेगा।
तो ये पॉइंट सबसे गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़ है ये चीज, ठीक है, तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है यस दहेज, पॉइंट नंबर 9, 10, 11 पॉइंट आता है दहेज। हम यहां से दहेज भी देखते हैं, आपको दहेज कितना मिलेगा, मांगना है नहीं मांगना है, दहेज से जुड़ा हुआ हर सवाल हम यहां से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा पार्टनर है, ये हमारा पार्टनर है, तो मेल की कुंडली में उसको वाइफ का धन भी हम यहां से देखेंगे, वाइफ, वाइफ से धन, क्योंकि ये पार्टनर है, ये वाइफ और हस्बैंड है और ये उनका कुटुंब, ये उनका धन भाव है, वाइफ का ये धन भाव है और ये हस्बैंड का भी धन भाव है। तो दहेज और धन, पत्नी के यहां से आने वाला धन हम यहां से देखेंगे। नेक्स्ट है इन लॉज, ऑब्वियसली क्योंकि ये धन कुटुंब दोनों चीज का है, धन कुटुंब और वाणी किसका, हमारे पार्टनर का, तो हमारा पार्टनर कितना उग्र वाणी में बोलेगा वो भी हम यहां से देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनअर्न्ड मनी, डिफीट, डिफीट इजी है, डिफीट यानी कि हार, हमारी हार, हार हम यहां से देखेंगे, इस भाव से देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखने का तरीका उसमें प्लीज कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार यही कहती हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे, क्या क्या देखेंगे पहले वो देख लीजिए, 12 भाव को किस तरह से देखना है, इसीलिए इनको शॉर्ट में हम खत्म नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एक एक भाव को अलग अलग से ले रहे हैं, ठीक है। अभी अनअर्न्ड मनी, अनअर्न्ड मनी में क्या क्या आ जाता है बताइए आप, अनअर्न्ड मनी में लॉटरी, दहेज भी, इंश्योरेंस भी, एंसेस्टर्स मनी, ग्रैंडफादर्स मनी, जायदाद, आपकी जायदाद, आपकी लॉटरी, दहेज यानी कि डाउरी, इंश्योरेंस मनी, ये वाले जो पैसे हैं ये कहां से देखते हैं, अनअर्न्ड मनी भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है, आउटर प्राइवेट पार्ट्स, ओके। अभी ये सब के बाद हमको इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस देना है, आयु भाव पर, आयु देखने के लिए हमको क्या क्या देखना है, आप सिर्फ पॉइंट नंबर 4 पर ध्यान दें, ये सब चीजों पर अभी आप ध्यान ना दें, ये सब ठीक है। आपको अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो कम से कम आप वीडियो को 2-3 बार सुनिए, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार सुनने पर आपको समझ में आने लगेगा। आज है वेडनेसडे, ठीक है, अभी हम फिर से यहां पर एक चार्ट क्रिएट करेंगे और आपको हम आयु के बारे में समझाएंगे। किसी भी जातक की आयु बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये है एट्थ हाउस, किसी भी जातक की आयु बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम चलिए इसको काल पुरुष कुंडली के बना लेते हैं, ठीक है, और ये अष्टमेश, यहां पर अष्टमेश बनेंगे मंगल और कारक ग्रह है शनि, कारक ग्रह शनि है, लॉर्ड यहां पे बनेंगे मंगल, ठीक है। हमको क्या देखना है यहां पर, ये ग्रह, ये घर कितना बलवान है, हाउस, हाउस लॉर्ड, कारक, लग्न, लग्न लॉर्ड, लग्नेश बने हैं, मंगल है लग्नेश, ठीक है। अरे मंगल का प्लेसमेंट, मंगल का प्लेसमेंट चौथे भाव पर है, यानी कि लग्नेश उठ के कहां पर पहुंचे, केंद्र में, या फिर लग्नेश उठ के कहां पर है, त्रिकोण में, तो ये बात क्या हो गई, अगर त्रिकोण में ही लग्नेश आ गए, मान लीजिए त्रिकोण में ही लग्नेश आ गए, लग्न लॉर्ड एंड लग्न, अगर यहाँ पर लग्न पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो लग्न को आप पूरी तरह से शुभ नहीं बोलेंगे, और अगर मान लीजिए यहाँ पर शुक्र ही विराजमान है, ठीक है, तो लग्नेश शुभ दृष्टि से दृष्ट है, मगर कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, अगर कोई दृष्टि है ही नहीं, कुछ भी नहीं है तो भी ठीक है, लग्न खाली है, लग्न लॉर्ड त्रिकोण में आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शनि यहीं पर विराजमान है, या तो शनि यहीं पर विराजमान है क्योंकि आयु के कारक हैं यहीं पर हैं अगर विराजमान, या फिर शनि लग्न पर आ गए, ठीक है,
भाव, भावेश, लग्न और लग्नेश, ये चार चीजें और कारक ग्रह जो कि शनि है। तो भाव भावेश अष्टम, अष्टम स्थान पर भी किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। ये सब जो सिचुएशंस हैं ये आपकी आयु दर्शाती हैं कि आयु अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से ये मेन भाव है। दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि जो ग्रह यहाँ पर पड़ा है उससे जुड़ा हुआ जो भी जीव है उसका नाश और आयु, ये दो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल के लिए हम अष्टम भाव में यही सब देखेंगे। अष्टम भाव के लिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी ही भाग्य स्थान को लेकर के आएंगे। नौवें भाव के बारे में पढ़ेंगे। नौवां भाव कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव, जहां से हम हमारी भाग्य को देखते हैं, हमारे लक को देखते हैं, हमारे धर्म को देखते हैं, हमारे पिता को देखते हैं। पंचम से पंचम हमारी हायर एजुकेशन, इसको अच्छी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में जरूर समझेंगे, सेशन नंबर 32 लेंगे। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आज का टिप बता देते हैं। आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे पर राहु का उपाय और बुध ग्रह को इम्प्रूव करने के लिए राहु का भी उपाय किया जा सकता है और बुध ग्रह को भी इम्प्रूव करने के लिए हम बोल रहे हैं, शांति करने के लिए। बुध ग्रह आपका साथ दे, सद्बुद्धि दे, कम्युनिकेशन पर, डॉक्यूमेंटेशन पर आपकी कोई रुकावट ना आए, इसीलिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना हर बुधवार को कम से कम 3 से 5 बार, 3 बार या तो 5 बार करें और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तब तक के लिए आगे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।